सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आइए अपने सेशन की शुरुआत करता हूँ और ये करंट अफेयर की सेशन है डियर। इस सेशन में आप पूरे साल के जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है या जो नेशनल न्यूज़ है या नेशनल इवेंट्स जो हुए हैं उनको आप देख पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स के विंग्स होते हैं। देयर आर कि नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल और आयर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, या फिर स्पोर्ट्स की न्यूज़ आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ आती है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं। तो इन सबों को मैं कैरेक्टराइज कर दिया हूँ, और पूरे साल में जितने राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं, पूरे साल में जितने खेल से संबंधित न्यूज़ हैं, पूरे साल में जितने भी अवार्ड से रिलेटेड है, और पूरे साल में जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का संबंध भारत से रहा है, वैसी तमाम घटनाओं को मैं सीरीज में लेके आऊंगा। ये जो पहली सीरीज है ये वॉल्यूम 1 है, जो बेस्ड है आपके नेशनल करंट अफेयर्स पे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे, और आप मेरे को मेल कर सकते हो @gmail.com, और यू कैन सर्च मी ओवर वेबसाइट पे आप कर सकते हो। इसके अलावा डियर EBS या फिर जनरल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स की क्लासेस हमारे यहाँ चलती है। हमारे यहाँ एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स भी है जो AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट, वहाँ भी ये सारी क्लासेस चलती है। तो आप चाहो तो वहाँ पे आके क्लासेस कर सकते हो, या फिर उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, आप वहाँ भी क्लासेस कर सकते हो। पेड कोर्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 7004044326 पे। आइए नेशनल करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबों का फिर से वेलकम है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन। फटाफट फटाफट तैयार हो जाए डियर। बिफोर डेट मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और व्यू करें। आइए पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहली जो डिस्क्रिप्शन आपके स्क्रीन पे है वो इस प्रकार है कि इंडिया फ्लाइट टेस्ट सेंट मिसाइल एट पोखरण रेल। भारत ने सेंट मिसाइल का पोखरण में प्रशिक्षण किया है। यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। सबसे बड़ी बात है डियर, यह एक एंटी टैंक मिसाइल है, और इसे डेवलप किया जा रहा है रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि हैदराबाद की संस्था है, और इसे सपोर्ट्स कर रहे हैं DRDO लैब के द्वारा। इसे सपोर्ट किया जा रहा है। बात करोगे इसकी मारक क्षमता की, तो आप बात करोगे यह जो वेपन्स है इट कैन न्यूट्रलाइज द टारगेट इन द रेंज ऑफ अप टू 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर की दूरी तक अगर कोई आपका टैंक है तो हेलीकॉप्टर से ही उस टैंक को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो डियर। ये हमारा सेंट मिसाइल है, जिसकी प्रशिक्षण पोखरण में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। एक मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी है जिन्होंने डिक्लेयर किया है वैक्सीन को एज ए वर्ड ऑफ द ईयर। देखो कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे रिकॉग्नाइज किया है, किसी और डिक्शनरी ने किसे किया है, या ऑक्सफोर्ड ने किसे किया है। तो याद रखना डियर, वो किसके द्वारा पूछा जा रहा है, यू मस्ट हैव टू रिमेम्बर। सो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने डिक्लेयर किया है वैक्सीन जो एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2021। आप देखोगे ये अमेरिकन पब्लिशिंग कंपनी है। अगर बात करोगे कि मेरियम वेबस्टर क्या है, तो यह एक अमेरिकन पब्लिशिंग कंपनी है जो कि चूज किया है वर्ड वैक्सीन को एज ए वर्ड ऑफ द ईयर्स। और मेरियम वेबस्टर एक मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन डिक्शनरी फॉर इंग्लिश वर्ड डिफिनेशन मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है जो वर्ल्ड वाइड में जो है आप देखोगे कि ये उसकी मीनिंग, उसके डेफिनेशंस की बात करता है। ये आपके वर्ल्ड ऑफ द ईयर वैक्सीन को डिक्लेयर किया गया है किसके द्वारा डियर, तो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा। आइए नेक्स्ट, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड टॉलेस्ट पीर ब्रिज इन मणिपुर। इंडियन रेलवे जो है दुनिया की सबसे सबसे लंबी जो है एक पीर ब्रिज का निर्माण कर रहा है, और वो किधर कर रहा है, तो मणिपुर के अंदर कर रहा है। द इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द टॉलेस्ट पीर रेलवे ब्रिज टू द वर्ल्ड इन मणिपुर। ये आपसे पूछेगा सवाल। ओके द ब्रिज इज बीइंग बिल्ट एट ए हाइट ऑफ, और ये कितनी ऊंचाई पे ये बन रहा है, 141 मीटर की ऊंचाई पे ये ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। राइट, 139 मीटर हाई
माला रीजा का वायडुक्ट बिल्ट एट मोंटेनेग्रो इन यूरोप। अगर देखोगे तो इससे पहले जो ब्रिज बना है जिसका रिकॉर्ड था वो यूरोप के अंदर है, मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो में यूरोप में बना हुआ ये ब्रिज है जिसका नाम है माला रीजिका। तो माला रीजिका ब्रिज से भी ऊंचाई पे बन के एक भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, वो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्पीड रेल ब्रिज का निर्माण करके, जिसका निर्माण मणिपुर के अंदर हो रहा है। अगर आप बात करो इस ब्रिज की लंबाई कितनी है तो 703 मीटर लंबी है ब्रिज है और 141 मीटर हाइट पे है। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट चेंजेज बेस ईयर फॉर वेज रेट इंडेक्स फ्रॉम 1963-65 to 216। भारत सरकार ने जो वेज दिया जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनके जो बेस ईयर होते हैं इस बेस ईयर को चेंज किया। बेस ईयर का कॉन्सेप्ट होता है ईयर जिसपे आप ग्रोथ निकालते हो, उसी को हमने बेस ईयर कहा जाता है। तो अभी अगर वेज आपको निर्धारित किया जाएगा और उस वेज पे अगर ग्रोथ दिया जाएगा तो इसी बेस ईयर को लेके दिया जाएगा। द गवर्नमेंट हैड फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट ग्रुप ऑन मिनिमम वेज एंड नेशनल फ्लोर वेज हेड। इन्होंने क्या किया, एक कमेटी का निर्माण किया भारत सरकार ने, जो कि किसके निर्देशन में अपना रिपोर्ट तय की है, एसपी मुखर्जी के निर्देशन में। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछने की पॉसिबिलिटीज है कि गवर्नमेंट ने किस को वेज एंड रेट इंडेक्स को तैयार करने के लिए या मिनिमम इंडेक्स को तैयार करने के लिए अपॉइंट किया था, तो एसपी मुखर्जी, और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर इस बेस ईयर को शिफ्ट किया गया। ये टोटल ऑफ 37 इंडस्ट्रीज, इससे कितने इंडस्ट्री जुड़ जाएंगे, 37 इंडस्ट्रीज हैव बीन कवर्ड इन द न्यू WRI बास्केट एज अगेंस्ट 21 इंडस्ट्री। तो अगर आप देखोगे कि 63-65 में मात्र 21 इंडस्ट्री इससे ऐड थे, अभी 37 इंडस्ट्री को ऐड किया गया है और बेस ईयर में भी चेंजिंग लाया गया है। ब्योटा बंडारा एक फेस्टिवल होता है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। इट इज ए ग्लोरियस मैरिटाइम हिस्ट्री है। तो आप देखोगे उड़ीसा गवर्नमेंट की जो समुद्रिक इतिहास रहा है कलिंग के समय से, आपको पता होगा कलिंग में जो डियर अशोक ने कलिंग की लड़ाई करी थी उस दौरान से लेकर एंशियंट ट्रेड्समैन जो पुराने जो समुद्री व्यापारी थे नोन एज सदांस, ओके, हु ट्रेवल ऑन बायोटास टू ट्रेड विद द डिस्टेंट आइलैंड नेशन दैट शेयर द बॉर्डर विद द वे ऑफ बंगाल लाइक इंडोनेशिया, जाबा, सुमात्रा एंड बाली। इन सबों की जो यात्रा की गई थी बस उन्हीं को याद करते हुए, उन्हीं को ट्रिब्यूट्स करते हुए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में आप देख रहे हो कि जितने भी फेस्टिवल को मना रहे वो महिलाएं हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन तो मनाया जाता ही है, साथ ही साथ इसमें जो है नाव या स्टीमर छोटे छोटे बना के इसमें डाले जाते हैं और उन बातों को याद किया जाता है कि उड़ीसा के तट की जो है ग्लोरियस जो है मैरीटाइम जो हिस्ट्री है उस पर चर्चा की जा रही है। और इस फेस्टिवल को कार्तिक पूर्णिमा और या फुल मून के डे में मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर्स। पीपल अक्रॉस द स्टेट सेलिब्रेट द डे बाय फ्लोटिंग टीनी बनाना पेपर और टर्मोकोल बोर्ड्स विच दियास बेटल लीव्स क्रैकर्स फ्रूट्स क्वाइंस इन द नियरेस्ट वाटर बॉडी। जो भी उनके घर के आसपास में जो भी वाटर बॉडीज है उनमें वो स्टीमर बनाते हैं, फ्लोटिंग बोट्स बनाते हैं, थर्मोकोल्स के बना के उनको पानी में डाल के इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो बियोटाना बंडाना जो आपका फेस्टिवल है वो किससे कंसर्न है, तो मैरीटाइम से कंसर्न है जो कि उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है। आइए, होम मिनिस्टर हैं आपके, आपको पता होगा हु इज योर होम मिनिस्टर, दैट इज योर हु इज होम मिनिस्टर, अमित शाह। लेट फाउंडेशन फॉर रानी गैडुलुई ट्राइबल फेडरेशन फाइडर म्यूजियम इन मणिपुर। तो रानी गैडुलुई ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो कि मणिपुर में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और इस जो म्यूजियम की बात की गई है, द म्यूजियम विल बी सेट अप एट लुआंगकाओ विलेज इन टैमलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ फ्रीडम फाइटर रानी गैडुलुई। तो रानी गैडुलुई का ये क्या है, बर्थ प्लेसेस है,
और इस जगह पे एक म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम की जो लागत है 15 करोड़ आ रही है, और इसे कौन वहन कर रहा है, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर्स इसको वहन कर रहा है। नेक्स्ट, एजुकेशन मिनिस्टर धर्म प्रधान, याद रखेगा डियर, एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुए हैं, ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। धर्म प्रधान लॉन्चेस सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड द सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम एट आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी में नैनो टेक्नोलॉजी और इंडियन नॉलेज सिस्टम को एक साथ एस्टेब्लिश किया गया है आईआईटी गुवाहाटी में। धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटेड टू न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर एट आईआईटी गुवाहाटी इन असम। दिस आर द सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी सीएनटी एंड द सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम सीआईकेएस। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर ने किस राज्य में नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना करी है, तो आंसर होगा गुवाहाटी। आइए, आईएनएस विशाखापट्टनम कमेंस्ड इनटू इंडियन नेवी। आईएनएस विशाखापट्टनम, इसका नाम रखा गया है डियर इंडियन शिप्स का, मैन नेवल शिप्स का, उसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम, जो कि AP-15B स्टिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, हैज बीन कमिशन्ड इनटू द इंडियन नेवी एट द नेवल डॉकयार्ड मुंबई। तो डॉकयार्ड मुंबई से इसको जो है समुद्र में डाला गया है, नेवी को डाला गया। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द फोर विशाखापट्टनम क्लास, यह विशाखापट्टनम क्लास की श्रेणी की ये चौथी है, दैट इज अ क्लास डिस्ट्रॉयर। इट हैज बीन डिजाइन बाय द इंडियन नेवी इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन बाय मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई। जैसा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने या भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम डिफेंस में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो इसका भी एक यह रिजल्ट है। ये चार, ये जो सीरीज है विशाखापट्टनम की सीरीज की, ये चौथी आईएनएस है जो इंडियन नेवी को दिया गया, उसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम, जो कि P-150-15B सिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये 163 मीटर लेंथ इसकी होती है, 70 मीटर ब्रेथ है, विथ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7,400 टन। तो 7,400 टन्स को आप सबसे, तो कितनी कैपेसिटी है इसको डिस्प्लेस कर सकता है डियर, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है वार के समय। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंट किया है स्वच्छ सुरक्षण अवार्ड या स्वच्छ सुरक्षण अवार्ड 2021। इंदौर को फिर से जो है क्लीनेस्ट सिटी टाइटल फॉर द फिफ्थ स्टेट ईयर। ये लगातार 5 साल इंदौर को जो है सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया है। स्वच्छ सुरक्षण अवार्ड या सर स्वच्छ सुरक्षण अवार्ड 2021 एट द स्वच्छ अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। वन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्वच्छ सुरक्षण अवार्ड जो है या फिर अमृत महोत्सव जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। वंस अगेन इंदौर हैज बीन एडजर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द फिफ्थ कंसेक्यूटिव ईयर। ये लगातार 5वीं बार जो है इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी के रूप में इंडिकेट किया गया है। अगर आप लिस्ट की बात देखोगे तो आप लिस्ट जरूर याद रखना डियर, इसके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप उसको राइट डाउन कर लेना। सबसे हाईएस्ट क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, तो इंदौर। क्लीनेस्ट सिटी गंगा टाउन, गंगा किनारे में सबसे स्वच्छ शहर कौन है, वाराणसी। और क्लीनेस्ट सिटी ओके जिनकी पॉपुलेशन जो है 100 लोकल बॉडीज है उसमें कौन है, छत्तीसगढ़ है। और क्लीनेस्ट सिटीज लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, दैट इज झारखंड। ये झारखंड भी 100 से कम अर्बन बॉडीज में ये स्वच्छ शहर में गिनती आता है। और क्लीनेस्ट सिटी विथ लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, वीटा सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो ये वीटा की जो सिटी है महाराष्ट्र जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, उनमें क्लीनेस्ट सिटी के रूप में इम्पॉर्टेंट है। क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी जिनकी आबादी 1 से 3 लाख पॉपुलेशन है, उसमें न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ओके ये एक सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। क्लीनेस्ट म्यूजियम सिटी, क्लीनेस्ट मीडियम सिटी जिसमें 3 से 10 लाख पॉपुलेशन है, उसमें कौन है, तो नोएडा है। क्लीनेस्ट बिग सिटी, बड़े शहरों में जिसकी पॉपुलेशन 10 से 40 लाख है, उसमें नवी मुंबई आता है डियर ओके। मिडिल में आप नोएडा,
और स्ट्रॉन्गेस्ट में नवी मुंबई और ऐसे करोगे तो झारखंड आ जाता है। किलिनेस कैंटोनमेंट बोर्ड, ये कौन है? अहमदाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड है, ये तो रट लो डियर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे स्वच्छ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सूरत है। फास्टेस्ट मूवर स्मॉल सिटी कौन है, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर आता है। और बेस्ट स्मॉल सिटी इन सिटीजन्स फीडबैक, तो सिटीजन्स के फीडबैक के आधार पर सबसे छोटा सिटी कौन है, तो स्वच्छ है, दैट इज त्रिपुरा। और टॉप सिटी इन सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज में कौन है, तो नवी मुंबई है। इनमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे स्मॉलेस्ट सिटीज के बारे में देख सकते हैं, क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए, बिग सिटी में देख सकते हैं, गंगा टाउन में आप देख सकते हैं, और ओवरऑल देखोगे तो क्लीनेस्ट सिटी में कौन है, इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश। आइए, तेलंगाना पोचमपल्ली विलेज नेम अमॉन्ग बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO। तो UNWTO के द्वारा भारत के तेलंगाना के पोचमपल्ली विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पूछने की परंपरा आज के डेटों में देखी जा रही है। पुचमपल्ली विलेज इन तेलंगाना, पहली बात तो यह है कि पुचमपल्ली विलेज किधर है, तेलंगाना में है। हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस अवार्डेड बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। अब पुचमपल्ली विलेज इन नागोंडा डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द सिल्क सिटी, इसे सिल्क सिटी से भी कहा जाता है। पुचमपल्ली विलेज को भी जो है सिल्क सिटी के रूप में भी कहा जाता है। फोर इज एक्सोटाइज सारीज गुबेन थ्रू द यूनिक स्टाइल कॉल इकात, जो इकात है वहां की सारी की यूनिक स्टाइल है, इसी को लेके इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। पुचमपल्ली इकात रिसीव जो है, इकात को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिल चुका है 2004 में। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको जरूर अपने आप पर रखिएगा डियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड ऑन December 2, 2021 इन मैड्रिड स्पेन। इस अवार्ड को कहाँ दिया गया था, मैड्रिड स्पेन में दिया गया था। ओकेजन था 24th सेशन ऑफ UNWTO जनरल असेंबली। तो UNWTO की जनरल असेंबली मैड्रिड स्पेन में हुई थी, जिसमें आपको तेलंगाना के पोचमपल्ली विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। और पोचमपल्ली एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ की जो सिल्क है, जिसे इकात कहा जाता है, उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिल चुका है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट फूड म्यूजियम इन तमिलनाडु तंजावुर। आपको पता होगा कि इससे पहले जो आपके पीयूष गोयल थे, वो बेसिकली क्या थे, तो रेलवे मिनिस्टर थे। उनको रिप्लेस करके फूड एंड कॉमर्स मिनिस्टर में डाला गया है, और उन्होंने देश में फर्स्ट जो है फूड म्यूजियम को लॉन्च किया है तमिलनाडु के तंजावुर में। ओके, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट फूड म्यूजियम एट तिरुवनंतपुरम इन तमिलनाडु। तो ये भारत की पहली फूड म्यूजियम है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फॉर ऑल एस्पिरेंट्स ऑफ UPSC, BPSC एंड JPSC एंड SBI एंड RBI, राइट। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी की अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, आज़ादी की अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के दौरान इस म्यूजियम की स्थापना करी है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट एंटी एयर पॉल्यूशन टावर इनॉग्रेटेड इन नोएडा। आपको पता है कि नोएडा सिटी या फिर दिल्ली जो है कितना ही पॉल्यूटेड है, वहाँ के एयर में कितने ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, ये पूरे भारतवासियों से छुपा नहीं है डियर। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी एयर पॉल्यूशन टावर को इनॉग्रेट किया है नोएडा के अंदर। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री महेंद्र नाथ पांडे इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन नोएडा। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर प्रोटोटाइप हैज बीन डेवलप्ड बाय स्टेट रन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वेल के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया या इसे डेवलप किया गया है। ओके, सो थैंक यू, दिस ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे।
आज का ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिला करेगा डियर हमारे नेशनल सीरीज में। तो मैं इस पूरे करंट अफेयर्स को कई भागों में डिवाइड किया हूँ। पहला है नेशनल करंट अफेयर्स, दूसरा होगा डियर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तीसरा होगा डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, फिर आएंगे आपके पास बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपके पास आएंगे डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड से। तो ये पूरे साल में जो 2020 और 2021 में जितने भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं, इन सबों के लिए हमारी सीरीज चालू हो चुकी है डियर। ये कंटिन्यू चलेगी, ये इसका वॉल्यूम 1 है डियर। डियर अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो, जैसे आप JSSC करना चाहते हो, जैसे आप JTET करना चाहते हो, जैसे आप SSC करना चाहते हो या रेलवे करना चाहते हो, तो AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट जो राजगंज बेस्ड संस्था है, आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, और अगर ऐसे ऑनलाइन पेड कोर्सेस करना चाहते हो तो आप 7004043326 पर आप संपर्क करें डियर, और ये सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को डेट इन एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड व्यू, और कॉन्टेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे। ओके, थैंक यू।